So welcome to ASP.NET MVC web development course. तो ASP.NET web development के इस कोर्स में सबसे पहले एंटर होने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि एक्चुअली जो एक वेबसाइट है वो कितने तरह की होती है. वेबसाइट दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा स्टैटिक और सेकंड डायनामिक कहलाता है. स्टैटिक वेबसाइट जो आप सेमेस्टर वन के अंदर डीपली पढ़ चुके हैं, जब आपने सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात की वेबसाइट की, जहाँ पर आपने HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपने एक प्रोफेशनल लेआउट के रिस्पेक्ट से वेबसाइट बनाई. तो डायनेमिक वेबसाइट क्या है? डायनेमिक वेबसाइट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज होता रहता है, ठीक है. जबकि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो आपने कंटेंट ऐड करवाया हुआ है वो डे टू डे चेंज नहीं होता, जब तक आप जाके उसके बिहाइंड कोडिंग को बिल्कुल जो पैरा लिखा हुआ है उसको चेंज करें, ठीक है, उस वक्त तक चेंजेस नहीं हो सकते. लेकिन ये डेफिनेशन और भी प्रॉपरली हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि चेंजेस से क्या मुराद है? स्टैटिक में भी चेंजेस हैं, डायनेमिक में भी चेंजेस हो सकती हैं. तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो बड़ी अप्रोप्रिएट है डायनेमिक के रिस्पेक्ट से, कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक वेबसाइट कहेंगे. तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ASP.NET पे बिहाइंड सी शार्प यूज़ करते हुए ASP.NET प्लेटफॉर्म पर हम एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. इसी तरह डिज़ाइनिंग पैटर्न MVC को यूज़ करते हुए भी हम एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली हम PHP, लारावेल, कोडिंगनेटर इन तमाम फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए भी एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं. इसी तरह फ्लास्क, जेंगो, ये फ्रेमवर्क्स हैं पाइथन के, इसे भी यूज़ करते हुए आप एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं. लेकिन इस सेशन के अंदर जिस प्लेटफॉर्म को और जिस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, वो है ASP.NET MVC. तो ASP.NET एक सेपरेट चीज़ है, और उसके बाद जो उसके साथ MVC का कॉन्सेप्ट है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि एक्चुअली ASP.NET क्या चीज़ है और MVC क्या है, ठीक है. तो इसके लिए हमने क्या किया है कि क्रूम पर मैंने जो प्रोफेशनल साइड है ASP.NET की, आप देख रहे हो यहाँ पर .NET, Microsoft.com, इस पे मैंने ASP.NET को ओपन कर रखा है. जिस तरह से जब हम .NET की बात कर रहे थे, यानी C# पढ़ रहे थे, तो हमने भी बेसिक डेफिनेशन के लिए .NET की साइड का सहारा लिया, क्योंकि सबसे बेहतर डेफिनेशन वही साइड बता सकती है जो उसकी क्या होती है, क्रिएटर होती है, जो बनाने वाली है. तो बताया जा रहा है व्हाट इज ASP.NET. ASP.NET इज ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्स एंड सर्विसेज विथ .NET. C# के अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझा था .NET क्या है. .NET खुद एक टेक्नोलॉजी है जिसपे रहते हुए आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं. जबकि ASP.NET की इस डेफिनेशन पे मैं बताया जा रहा है कि ASP.NET एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क का मतलब है कलेक्शन ऑफ क्लासेस. ये कलेक्शन ऑफ क्लासेस किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया. और इसके जरिए से, यानी ASP.NET फ्रेमवर्क के जरिए से, आप क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं? एक मॉडर्न वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं. ASP.NET इज क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, डॉकर्स, ठीक है. क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो डिफरेंट तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चल सकता है. इसके अलावा फिर .NET के प्लेटफॉर्म के हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्चुअली .NET में क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पे बताया कि ये क्या है, इन्वायरमेंट है जिस पर रहते हुए आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं. फिर फर्दर इसकी डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि ASP.NET जो फ्रेमवर्क है वो .NET के साथ क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है. एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट होना. तो ये खुद एक क्या था, इन्वायरमेंट था. उस इन्वायरमेंट के अंदर ASP.NET का फ्रेमवर्क क्या हो गया, ऐड हो गया. जब ये ऐड हुआ तो इसके जरिए से आप क्या बना सकते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आप नीचे बताया जा रहा है, बेस फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग वेब रिक्वेस्ट, ठीक है. इसी तरह टेम्पलेटिंग सेंटेक्स बना सकते हैं आप वेब पेज पर, जिस जो कि कहलाता है रेजर, ठीक है. ये हम आगे जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, रेजर सेंटेक्स क्या है, ASP सेंटेक्स क्या चीज़ है. इसी तरह जो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, इस पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिसको आप वेब पैटर्न कह रहे हैं. ऑथेंटिकेशन है, एडिटर एक्सटेंशंस हैं, ये तमाम चीज़ें हमें डे टू डे चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे.
लेकिन इस डेफिनेशन पे हमें ये देख लिया कि एक्चुअली ASP.NET क्या है। इसी सेशन पे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे एक्चुअली कि ASP.NET पर जब कोई चीज बन रही होती है तो उसकी UI कैसी होती है, और इसी ASP.NET के साथ जब MVC का कॉन्सेप्ट आता है तो उसकी UI कैसी हो जाती है। फर्दर डाउन चलें तो बैकएंड कोड के हवाले से बताया जा रहा है कि ASP.NET के अंदर जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो बिहाइंड जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी हो रही है, C# हो रही है। इसी तरह ASP.NET के अंदर रहते हुए आप एक डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं, डायनेमिक की डेफिनेशन जान चुके हैं हम, जिसमें HTML, CSS और JavaScript भी इन्वॉल्व हो सकता है। यानी जो आपकी एक साइट है, जो स्टैटिक वेबसाइट है, उसके अंदर ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप डायनेमिक चीज़ों को उसके अंदर क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, जिनका ताल्लुक डेटाबेस के साथ होगा। सिमिलरली ओपन सोर्स है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, ठीक है। गिटहब पे भी इसके कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां पर आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें रन हो सकती हैं। तो ASP.NET को हमने यहाँ पर समझ लिया, अब हम दूसरे टैब पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने उसी साइट से MVC को ओपन किया हुआ है ताकि हम इसकी डेफिनेशन समझ सकें कि एक्चुअली MVC क्या है। तो MVC का ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक पैटर्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पैटर्न के हवाले से भी जानेंगे कि ये क्या करता है। ये आपके डेटा को सेपरेट करने में आपकी मदद देता है, यानी वो डेटा या वो कोड जो तुमने ASP.NET के अंदर सिर्फ किया था इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, यहां पर तमाम चीजें एक ही जगह पर क्या थी, कंबाइन थी। आपकी UI का डेटा भी यहीं पर है, आप जो कोड बिहाइंड करना चाहते हैं वो भी यहीं पर है, तो तमाम चीजें एक जगह मौजूद है। MVC ये कॉन्सेप्ट देता है कि वो तमाम चीजें जो आप एक जगह कंबाइन करके लिख रहे थे उन्हें तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ठीक है। तो ASP.NET जो सेपरेट एक टेक्नोलॉजी चल रही थी जिस पे हम वेबसाइट बना रहे थे, उसके साथ ही इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट ऐड करवा दिया, MVC का। एट लास्ट सेशन पे हम देखेंगे कि एक्चुअली ASP.NET पर अब हम काम क्यों नहीं करते हैं, हम MVC को क्यों प्रेफर करते हैं, वो तमाम चीजें हमें आहिस्ता समझ में आ जाएगी। तो इस पे डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि एक्चुअली मॉडल, व्यू, कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें से तमाम चीजें क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। आप यहाँ देख रहे हो यूजर इंटरफेस, यानी जो चीज UI पर आपको दिख रही है आप उसे कहेंगे क्या, व्यू, यानी विच मीन वी की यहाँ पर बात हो रही है। इसी तरह जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, जिस डेटा को आप अपने वेबसाइट पर डायनामिकली चेंज करवाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, उसको हम कहेंगे मॉडल। तो मॉडल आपका क्या है, डेटा है। और इसी तरह जो लॉजिक होगी आपकी, यानी मॉडल और व्यू, आई मीन व्यू और मॉडल किस तरह से काम करेंगे, ये तमाम इसकी लॉजिक आप अपने कंट्रोलर के अंदर बताओगे कि किस चीज का किस चीज के साथ रिलेशन है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट होना है, ये तमाम चीजें आप इसके अंदर बताओगे। इसी तरह MVC विद ASP.NET, जाहिर सी बात है अभी ऊपर ही हमने देख लिया कि ये MVC का जो कॉन्सेप्ट है वो ASP के साथ सेपरेट हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि MVC का ताल्लुक सिर्फ ASP.NET के साथ नहीं है बल्कि डिफरेंट चीजों के साथ है। तो जब हम MVC की डेफिनेशन समझेंगे तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली MVC क्या चीज है और ये किस तरह से डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ इनहेरिट होती है। सिमिलरली मॉडल और डेटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, ये यकीनी तौर पे अभी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये तमाम चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। इस सेशन के अंदर हमें ये समझना है कि एक्चुअली मॉडल, व्यू, कंट्रोलर है क्या और ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली और वर्किंग देख लिया, ये कंट्रोलर के हवाले से बताया जा रहा है और रेजर इंजन के हवाले से बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने HTML डेटा को C# के जरिए से हैंडल कर रहे होते हो। आप देख रहे हो कि ये जो फॉर ईच का लूप है ये C# का है, लेकिन इस C# के अंदर मैं टेबल डेटा को क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, टेबल डेटा जो यहाँ पर पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है वो HTML का है। तो रेजन इंजन क्या कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके शो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली MVC क्या चीज़ है। ASP.NET फ्रेमवर्क है ये हम समझ चुके हैं, उसके बाद फिर MVC को क्या किया गया है, ASP.NET से एक्सटेंड किया गया है, कंबाइन किया गया है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि MVC, यूजली नोन एज MVC, इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग यूजर इंटरफेस विच डिवाइड्स द रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉजिक इंटू 3 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट। तो MVC क्या चीज है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। ये डिजाइन पैटर्न आपके जो डेवलपिंग वर्क है उसको तीन हिस्सों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। वाज़ह रहे ये तीनों हिस्से आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं।
This is done to separate internal representation of information from the way information is represented and accept from the user. यानी ये तमाम चीजें एक information को represent करते हैं और at last ये user को वो तमाम चीजें एक साथ combine करके दिखा रहा होता है. अब यहाँ पर ये समझना है कि design pattern है क्या चीज. In simple word अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज को बनाने के different तरीके हो सकते हैं. For example मैं एक बिरयानी की बात करता हूँ तो बिरयानी को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना. एक शख्स किसी और तरीके से बनाता है, एक शख्स किसी और तरीके से बनाता है, लेकिन फाइनली जो हमारा आउटपुट है वो बिरयानी के ही शेप में आता है. तो डिजाइन पैटर्न भी एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट शो करता है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. ऑल्दो अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज ना करूं, यानी डिजाइन पैटर्न को यूज ना करूं, तो भी मैं वेबसाइट बना सकता हूं. लेकिन इससे फायदा क्या है कि आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजों को पढ़ते हैं आप उसके जरिए से अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ आपका जो होल प्रोग्राम है या होल वेबसाइट है वो तीन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाती है. इससे फायदा ये है कि जिस हिस्से में आपको एरर मौजूद होता है या अकर होता है आप उस सिलेक्टेड जगह पर जाते हो और वहां पर जाकर उसको क्या कर लेते हो, रिजॉल्व कर लेते हो. तो डेफिनेशन पे बताई जा रही है कि डिजाइन पैटर्न रिप्रेजेंट द बेस्ट प्रैक्टिस यूज बाय द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. डिजाइन पैटर्न आर द सॉल्यूशन टू जर्नल प्रॉब्लम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर फेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को डेवलपर जब इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके जरिए से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आसानी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता चलती हैं कि एक्चुअली किस तरह के इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. These solutions were obtained by trial and error by numerous software developer over quite a substantial period of time. यानी जिस जिस तरह से उसमें अंदर errors आ रहे होते हैं या different software developers पे काम कर रहे होते हैं तो वो आसानी के साथ period to time उसको क्या कर पाते हैं, check कर पाते हैं, समझ पाते हैं. तो मॉडल व्यू कंट्रोलर की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई. मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है. डिजाइन पैटर्न से मुराद ये है कि किसी भी चीज को बनाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. उनमें से एक तरीका एमवीसी का है. एमवीसी पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है या डिजाइन पैटर्न के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का होता है जो हम सी शार्प के अंदर तफसीलन पढ़ चुके हैं. अब समझते हैं कि एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह से काम करता है और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. मॉडल पे बताया जा रहा है मॉडल रिप्रेजेंट शेप ऑफ द डेटा एंड बिजनेस लॉजिक. यानी आपका जो मॉडल है वो आपके बिजनेस लॉजिक और डेटा को शो करेगा. इट मेंटेन द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन. मॉडल ऑब्जेक्ट रिट्रीव एंड स्टोर मॉडल स्टेट इन द डेटाबेस. यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर डेटाबेस को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं तो उस डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, अपने मॉडल के अंदर लिखेंगे या रखेंगे. ठीक है, वो चीजें कैसे होंगी डे टू डे जैसे जैसे हम आके सेशन पे जाएंगे तो हमें समझ में. वो डेटा वेबसाइट पर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा ये चीजें हमारी कौन सी चीज डिफाइन करेंगी, व्यू डिफाइन करेंगी. फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस एसक्यूएल में मौजूद है, उसके अंदर 5 रॉज हैं, 5 कॉलम है और 5 रॉज एंड 5 कॉलम को आप किस तरह से विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं क्रूड ऑपरेशन के साथ अपनी वेबसाइट पर, ये आप व्यू पर बताएंगे. उसके बाद कौन सा बटन और कौन से बटन से क्या चीज परफॉर्म होगी वो तमाम चीजें तुम किसके अंदर बताओगे, कंट्रोलर के अंदर बताओगे जो शॉर्टली बताया भी जा रहा है कि रिक्वेस्ट हैंडलर है. जो चीज रिक्वेस्ट की जा रही है वो कंट्रोलर के जरिए से क्या होगी, हैंडल होगी. इस चीज को डायग्राम से देखते हैं. तो ये तीन कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि एमवीसी का आर्किटेक्चर है और इसमें आप देख रहे हो कि कंट्रोलर है, मॉडल है और व्यू है. तो व्यू हमारा क्या कर रहा है, मॉडल को डिस्प्ले में हैंडल कर रहा है, जबकि कंट्रोलर और व्यू के दरमियान रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और रेंडर, यानी इसकी रिक्वेस्ट यहां पर जाती है और ये रिक्वेस्ट को सेंड करके यहां पर बताता है कि एक्चुअली कंट्रोलर से क्या चीज की रिक्वेस्ट रेंडर होकर मेरे पास आई है और अब मुझे क्या चीज वेबसाइट पर शो करनी है. और ये कंट्रोलर मैनिपुलेट होता रहता है यानी रिलेशन पर रहता है मॉडल के साथ कि एक्चुअली कौन सा डेटा है और वो किस तरह से वहां पर शो होगा. इसके बाद ये बेसिक इसका आर्किटेक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कि एक यूजर है और यूजर एक यूआरएल एंटर करता है. यूआरएल एंटर करने के बाद वो डायरेक्ट यूआरएल जो है वो कंट्रोलर को हिट करता है. फॉर एग्जांपल तुमने यूआरएल पे लिखा google.com तो गूगल एक सर्वर पे जाएगा और सर्वर उसका क्या होगा, टेम्पररी तौर पे समझते हैं कि वो कंट्रोलर है और वहां पर जाकर वो उसको अंडरस्टैंड करेगा एक्चुअली मुझे क्या चीज यहाँ पर शो करनी है. वो शो करने के लिए मॉडल से रिप्रेजेंटेशन लेगा कि मॉडल के अंदर वो डेटा मौजूद है या नहीं, और अगर है तो फिर जिस तरह से उसे शो करवाना है वो व्यू के जरिए से उसे क्या करवा देगा, शो करवा देगा. तो
तफसीरन हमने एमवीसी के कॉन्सेप्ट को समझा कि एक्चुअली एमवीसी क्या है, ASP.NET और एमवीसी में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन भी देखी और ये किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो अब हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो पर। अब देखते हैं कि ASP.NET ओनली किस तरह से वर्क करता है और ASP.MVC किस तरह से वर्क करता है। लेट्स सी। तो इस वक्त मैंने तीन सेपरेट विजुअल स्टूडियो यहाँ पर ओपन कर रखे हैं और सबसे पहले वाले मैं विजुअल स्टूडियो पर चलता हूँ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने फाइल न्यू प्रोजेक्ट को चूज किया है और उसके बाद C# पे आऊंगा और आप यहाँ देख रहे हो ASP.NET वेब एप्लीकेशन का ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ D_1। ठीक है, आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने ओके प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो एम्प्टी सिलेक्ट अ टेम्पलेट एम्प्टी मौजूद है। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या है, वेब फॉर्म के जरिए से क्या होगा, एमवीसी पे जम करूंगा तो क्या होगा, ये हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी एमवीसी टेम्पलेट ले रहा हूँ, यानी कोई भी चीज इसके अंदर एडिशनली ना हो। और उसके बाद नीचे जो फोल्डर ऑप्शन है इस पर मैंने चेक लगा दिया एमवीसी का। ठीक है, जूम आउट करता हूँ और उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। इसे कैंसिल करेंगे, ये वेब एज़ोर ऑप्शन है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है इस वक्त। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि D_1 के नाम से है। मैंने ASP.NET टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है लेकिन अपने टेम्पलेट को किसके साथ इनहेरिट करवा दिया है, एमवीसी के साथ। लिहाजा इस वक्त जो अब मैं काम करने जा रहा हूँ वो ASP.NET पे नहीं बल्कि ASP.NET प्लस एमवीसी पे काम करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने हैंडल किया तो आप देख रहे हो डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पर बनकर आ चुके हैं और कंट्रोलर का फोल्डर है, इसी तरह मॉडल का फोल्डर है और इसी तरह व्यू का फोल्डर है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इसके बाद अब मैं दूसरे विजुअल स्टूडियो पे चलता हूँ और यहाँ पर जाकर ASP.NET को हम हैंडल करेंगे। लिहाजा दोबारा प्रोजेक्ट पे गया और उसके बाद मैंने उसी प्रोजेक्ट को लिया और इसका नाम रख दिया D_2। ठीक है, ASP.NET से, और मैंने ओके प्रेस किया। अब मैं टेम्पलेट वाले पार्ट में रहूँगा और अभी भी मैंने क्या किया, एम्प्टी लिया लेकिन नीचे एमवीसी पर चेक मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ओके प्रेस किया, जूम आउट करते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं वो ASP.NET की तो कर रहा हूं लेकिन एमवीसी उसके साथ यूज नहीं कर रहा हूं। लिहाजा जैसे ही हमारी वेबसाइट जब लॉन्च होकर यहां पर सामने आएगी तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा पार्ट जो है एमवीसी के फोल्डर पे यहां पर साथ नहीं है। लिहाजा इस वक्त मैं किस चीज पर मौजूद हूं, ASP.NET पर। तो ASP.NET के अंदर जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो वेब फॉर्म्स पर करते हैं। कैसे, मैंने राइट क्लिक किया अपने प्रोजेक्ट पर, ऐड पर आया, न्यू आइटम, और उसके बाद आप चौथे नंबर पे देख रहे हो वेब फॉर्म है। आप चाहें तो यहाँ पर HTML फाइल भी ऐड करवा सकते हैं, CSS फाइल भी ऐड करवा सकते हैं, JavaScript भी करवा सकते हैं जो कि आप डिजाइनिंग में सीख चुके हैं। लेकिन अभी बात हमारी वेब फॉर्म की हो रही है तो वेब फॉर्म का नाम यहाँ पर वेब फॉर्म 1 लिखा आ रहा है, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसे यही रहने दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद ASP.NET आपको डिजाइन व्यू में तीन पार्ट देता है, यानी आप एक तरीका तो ये है कि आप अपने सोर्स पार्ट को देखें जो बैक एंड की कोडिंग होती है HTML की, वो यहाँ मौजूद है। दूसरा स्प्लिट का है, यानी आपका हाफ पार्ट उस पर चला जाएगा कोड पर और हाफ पार्ट आपका व्यू में आ जाएगा। और थर्ड पार्ट है डिजाइन का जिसके अंदर आप सिर्फ डिजाइन व्यू देख सकते हैं। तो जूम आउट करता हूँ, टूल बॉक्स पे आप जाएंगे और यहाँ से कोई भी कंट्रोलर जो एक वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक बॉक्स, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, व्यू, विजर्ड, लेबल्स, इमेज बटन एंड सो ऑन, ये तमाम ASP.NET के कंट्रोलर हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर ले लिया, बटन मैंने ड्रॉप किया। मैं यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। साइज को इंक्रीज करने के बाद आप जैसे सोर्स पर आएंगे तो आप देख रहे हैं आपने एक बटन क्रिएट किया है लेकिन वो बटन HTML का नहीं है बल्कि ASP.NET का है। ठीक है, जिस पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बटन। तो मैंने इसका नाम रख दिया click_me। ठीक है, और उसके बाद दोबारा मैं डिजाइन पे चला गया तो आप देख रहे हैं click_ लिखा या नहीं। तो मैं दोबारा व्यू पे चलता हूं, ओके। तो अब मैं डिजाइन पर आ चुका हूँ। डिजाइन पर आने के बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके बिहाइंड, यानी आप इसके इवेंट को फायर कर देंगे और उसमें बताएंगे कि जब ये वेबसाइट पे जाएगा और उस पर क्लिक किया जाएगा तो क्या काम होना चाहिए। लिहाजा मैंने इस पर क्लिक किया डबल तो मैं इसके क्लिक इवेंट पे आ चुका हूँ। और क्लिक इवेंट पे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक वर्ड प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ,
तो सी शार्प में प्रिंट करवाने के लिए आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा करते थे या राइट लिखा करते थे। तो एएसपी डॉट नेट के अंदर आप कोई भी लाइन प्रिंट करवाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया मैंने हाय फहद हुसैन, और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद सेव करता हूँ अपने फाइल को, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप अपनी इस वेबसाइट को किस वेब ब्राउज़र पर लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस वक्त डिफ़ॉल्ट तौर पर गूगल क्रोम मौजूद है, तो मैं इसी पर रन कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इट्स टेक फ्यू सेकंड, और उसके बाद ये गूगल क्रोम पर लॉन्च हो जाएगी मेरी वेबसाइट, जिस पे ये बटन विजिबल हो जाएगा, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो चीज़ प्रिंट होकर सामने आ जाएगी जो चीज़ मैंने क्लिक इवेंट पे बताई थी। लेट्स सी। ओके, तो वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है, और आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा आ रहा है लोकल होस्ट, और उसके बाद इसका पोर्ट, और देन उसके बाद ये वेब फॉर्म का नाम लिखा आ रहा है जो मैंने ऐड करवाया था। तो ये क्या चीज़ है? जब भी आप किसी वेबसाइट को लोकल मशीन पर लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको एक लोकल होस्ट या सर्वर की ज़रूरत होती है, और इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली किसी वेबसाइट पर देखते हैं तो आपको एक मेन सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मैं गूगल इंटरनेट पर लिखता हूँ तो वो एक किसी सर्वर से अटैच्ड है, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही वो चीज़ें चल रही हैं। तो विजुअल स्टूडियो आपको डिफ़ॉल्ट तौर पर जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है लोकल होस्ट को, होस्ट का, जिसको आप कहते हैं IIS। तो आप यहाँ देख रहे हो IIS एक्सप्रेस यहाँ पर ऑन हुआ है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ब्राउजर पर पोर्ट नंबर वही शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप PHP और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपको XAMPP या WAMP सर्वर इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर ये चीज़ें डिफॉल्ट तौर पर इसके साथ मौजूद हैं। यही वजह है कि जब मैंने प्रोग्राम को रन किया है तो वो इसी तरह इसके पोर्ट नंबर के साथ यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। जब तक ये सर्वर ऑन नहीं होगा उस वक्त तक आपकी वेबसाइट लोकल मशीन पर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। लिहाजा वेबसाइट लॉन्च होने के बाद मैंने क्लिक मी इस बटन पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आप देख रहे हैं कि वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, और जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो रिफ्रेश होने का मतलब ये है कि जब भी मैं बटन को क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट मेरी कंट्रोलर पर या सर्वर पर जाती है। सर्वर पर जाने के बाद उसे कहा जाता है कि एक्चुअली इस बटन पे क्या चीज़ प्रिंट करनी है, वो चीज़ प्रिंट होकर मेरे सामने आ जाती है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है वो ASP.NET के जरिए से हुई है, और इस ASP.NET के अंदर आप देख रहे हो कि जो चीज़ भी तुम कर रहे हो वो एक ही पेज पर यहाँ मौजूद है। सामने UI बना रहे हो, टूल बॉक्स पे जा रहे हो, तमाम कंट्रोलर्स यहाँ से ले रहे हो। तो अब दूसरी जो डिफरेंस हमें समझना है वो ASP.NET का समझना है विथ MVC के साथ, जो मैंने प्रोजेक्ट नंबर 1 पर ओपन किया हुआ था D_1 पे। तो यहाँ पर काम हमारा किस तरह से होता है? यहाँ पर काम हमारा तीन हिस्सों पर डिवाइड होता है। यहाँ पर हाँ आप टूल बॉक्स के जरिए से कोई कंट्रोलर अटैच नहीं करवा सकते, बल्कि कंट्रोलर भी आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये बात काफ़ी मुश्किल लगेगी कि कहाँ पर ASP.NET में तमाम कंट्रोलर है, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ आसानी से कोड करके विजिबल करवा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तमाम चीज़ें बनानी पड़ी उसके बावजूद ये प्रेफरेंस क्यों है? तो जब हम एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आना शुरू हो जाती है कि एक्चुअली MVC का कॉन्सेप्ट इतना एक्सप्लोर और बड़ा क्यों है। तो इस पर काम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप कंट्रोलर पर जाएंगे, ठीक है, मैं कंट्रोलर पर मौजूद हूँ। मैंने राइट क्लिक किया एड, और यहाँ लिखा हुआ कंट्रोलर, और मैंने इस कंट्रोलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया MVC 5 कंट्रोलर, ठीक है, और मैंने इसे डबल क्लिक किया और इसका नाम रख दिया मैंने होम, एंटर। तो होम के नाम से मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कंट्रोलर बनकर आ चुका है। इन सिंपल वर्ड इस वक्त मैं अपने उसी बटन के बिहाइंड कोड पर मौजूद हूं जो मैं ASP.NET पर कर रहा था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई व्यू मौजूद नहीं है। तो कंट्रोलर के अंदर किसी भी चीज़ को मैं कैसे अपनी वेबसाइट पे विजिबल करवा सकता हूँ MVC के साथ? तो यहाँ पर एक फंक्शन मौजूद है। ये क्या काम करता है इस वक्त अभी हम इसे इग्नोर करते हैं। मैं अपने एक फंक्शन को बनाता हूँ स्ट्रिंग, और इसका नाम इंडेक्स रहने देते हैं, और इस पर एक टेक्स्ट रिटर्न करवा लेते हैं FahadHussain, ठीक है। तो एक फंक्शन है जिसका नाम इंडेक्स है, और जब ये इंडेक्स फायर होगा यानी प्रिंट होगा तो उसमें से जो चीज़ें रिटर्न होकर आ रही हैं वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। लिहाजा अब मैं अपने इस MVC बेस्ड प्रोजेक्ट को क्या कर रहा हूँ, गूगल पे लॉन्च कर रहा हूँ। तो मैंने गूगल क्रोम पर से क्लिक किया, एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को यहां पर लॉन्च किया है
तो लोकल होस्ट और वैसे ही पोर्ट इसके साथ मौजूद है आईएएस सर्वर की वजह से, और डिफ़ॉल्ट तौर पर वो चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी थी वो यहाँ प्रिंट हो चुकी है। लिहाजा एमवीसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका कंट्रोलर मॉडल और व्यू के साथ होता है, जबकि अभी जो मैंने कोड सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम के बिहाफ पर प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन बनाकर दिखाया है। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, वो तमाम चीज़ें अपकमिंग सेशन के अंदर हम जैसे जैसे आगे जाते आएंगे वो चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अब बात फाइनली हमारी ये होगी कि एक्चुअली इन तमाम चीज़ों पर डिफरेंस है क्या। ठीक है, इन चीज़ों के डिफरेंस पे आसान लफ्ज़ों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ASP.NET फॉर्म के अंदर जब आपने काम किया, जिसको हम ASP.NET सिंपल कह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका फॉर्म था वो टेक्स्ट बॉक्स पर बेस कर रहा था, कंट्रोलर पर बेस कर रहा था। ठीक है, और आप उसके बिहाइंड जाके इंफरादी तौर पर कोड लिख रहे हैं, यानी अगर मैं एक और बटन लूंगा तो उसके लिए अलग से एक और क्या करना होगा, मुझे इवेंट फायर करना होगा। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो चीजें हैं वो मेरी सेपरेट नहीं है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने देखा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर तमाम चीजें हमारी क्या थी, सेपरेट हुई हुई थी, लेकिन वहां पर कोई चीजें सेपरेट नहीं है। एक फॉर्म के अंदर जितनी चीजें तुम्हें लानी है तुम बार बार उसमें ऐड करवाते रहोगे, फॉर्म टू लोगे तो उसके अंदर ऐड करवाते रहोगे, कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल होती जाएगी। लेकिन जहां पर तुम जितने काम करना चाहते हो एक कंट्रोलर में कर सकते हो, ठीक है, और उनके तमाम कोऑर्डिनेशन बता सकते हो, ऑल्दो एक से ज्यादा भी कंट्रोलर ऐड करवा सकते हैं, तो जब हम आगे जाएंगे तो वो चीजें भी हमें समझ में आएंगी। तो तफसीलन देखा हमने सेशन पे कि ASP.NET और ASP.MVC क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। अब फाइनल में हमने डिफरेंसेस भी देख लिया कि ASP.NET ओनली फ्लॉप होने की वजह या इस पे ज्यादा काम ना होने की वजह यह है कि इसमें MVC का कॉन्सेप्ट नहीं है। MVC की डेफिनेशन हमने जानी कि इससे क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट या जो डेटा है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, और ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिजाइन पैटर्न है, ये ना सिर्फ ASP.MVC पर बल्कि साथ ही साथ PHP और डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर भी इस्तेमाल होती है, इंक्लूडिंग Angular.js। अब बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। इस कोर्स के अंदर जो सारी जो डेवलपमेंट होगी वो ASP.MVC पर ही होगी। ठीक है, लिहाजा ASP.MVC पर जो मैं काम कर रहा हूँ, अब बात फाइनली हमारी होगी वर्जन्स की। तो आप देख रहे हो कि इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि फ्रॉम स्टार्टिंग है। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आप देख रहे हो 2007 से लेकर डिफरेंट ASP.MVC के वर्जन आए हुए हैं, CDP। ठीक है, आप ब्रीफली या तफसीलन इन चीज़ों को विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं, तमाम वर्जन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, डे टू डे वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें इन्हेंसमेंट होती है, चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू नीड, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस वक्त हम ASP.MVC 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 के अंदर या 4 के अंदर जो भी चेंजेस हैं या जो चीज़ें मौजूद हैं वो इन चीज़ों को पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को किस तरह से चेक कर सकता हूँ, इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप अपने ASP.MVC प्रोजेक्ट पर जाएं। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आप रेफरेंस को ओपन करें, रेफरेंस पे आप देखेंगे एक जगह लिखा होगा system.web.mvc, इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं, प्रॉपर्टी ओपन हो चुका है, और आप यहां देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी में वर्जन क्या लिखा हुआ है, 5.2.30। तो ओवरऑल जो भी कोर्स हमारे सेशन पे होगा वो एमवीसी के लेटेस्ट वर्जन 5 समथिंग जो भी वैल्यू है उस पर हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन के अंदर इतना ही, तमाम चीजें हमने सीख ली। नेक्स्ट सेशन से हम देखेंगे कि एक्चुअली कंट्रोलर किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम इसमें मैथड्स बना सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ।